बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। स्टूडेंट्स, दिस इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ SST फॉर ग्रेड 7 एंड टुडे इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द न्यू टर्म। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑफ SST। टुडे वी विल लर्न अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ, दैट इज लेसन नंबर 1। I'm going to read it firstly. Our earth is about 4.5 billion years old. It formed from the dust and the gases that surrounded the sun. The interior of the earth is mostly made up of the silicate rocks and metals. Over time, the interior of the earth differentiated into layers. Do you know the name of these layers? क्या है कि हमारी अर्थ जो है कितनी पुरानी है? 4.5 billion years old पुरानी है हमारी जो जमीन जिस पे हम रहते हैं। और ये किस से बनी हुई है? डस्ट एंड द गैसेस दैट सराउंडेड द सन। अब जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या है? मोस्टली सिलिकेट रॉक से बना हुआ है और मेटल से बना हुआ है। और ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको क्या किया गया? डिफरेंट लेयर में क्लासिफाई किया गया अर्थ का जो इंटीरियर है। अब वो लेयर्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अर्थ इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंप्राइज ऑफ फोर लेयर्स। लेट्स एक्सप्लोर दैम। फोर लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर जो है जिसको द इनर कोर भी बोला जाता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इनर कोर। जो सबसे अंदरूनी जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको बोला जाता है इनर कोर। इट इज ह्यूज सॉलिड मेटल बॉल कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल विद अ डायमीटर ऑफ 2400 किलोमीटर। ये क्या है? एक बहुत बड़ा सॉलिड मेटल बॉल की तरह है जो कि किससे बना हुआ है? आयरन और निकल से। इसका डायमीटर है 2400 किलोमीटर। ये थी इनर कोर। अब आउटर कोर क्या है? लेयर अबव द इनर कोर इज लिक्विड इन द स्टेट एंड कॉल्ड द आउटर कोर। अब इनर कोर से जो ऊपर जो लेयर है उसको बोला जाता है आउटर कोर। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ लिक्विड आयरन निकल सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब ये किस किस से बनी हुई है? निकल लिक्विड आयरन से, निकल सल्फर और ऑक्सीजन से। दिस लेयर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। और ये कितनी थिक है? 2300 किलोमीटर। द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ लुक हियर इन दिस डायग्राम। क्या है चीज़? सबसे पहले देखें, दिस इज इनर कोर, इससे ऊपर फिर आउटर कोर है, फिर थर्ड लेयर है उसको मेंटल का नाम दिया गया है, और फोर्थ वन इज कॉल्ड क्रस्ट और क्रस्ट मेंटल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ। मेंटल इज 2900 किलोमीटर थिक शेल ऑफ द रॉक दैट इनक्लोजेज द कोर। इट इज कम्पोज ऑफ आयरन ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये इन मेटल से मिलकर बना हुआ है, आयरन सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम से। मेंटल इज डिवाइडेड इंटू टू लेयर, द लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। अब ये जो मेंटल है इसको भी दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है, लोअर मेटल और मेंटल और अपर मेंटल। द लोअर मेंटल इज मेड अप ऑफ द सॉलिड रॉक्स एंड द अपर मेंटल इज मेड अप ऑफ द बोथ सॉलिड एंड द लिक्विड, जिसको मोल्टन रॉक्स भी बोला जाता है, उसे बना हुआ है। द फोर्थ वन इज द क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सबसे बाहर जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की, उसको बोला जाता है क्रस्ट। और ये थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट लेयर है, बारीक है। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। द लैंड इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स से। इट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द ओशन फ्लोर इज मेनली कम्पोज ऑफ बसाल्ट। इट इज कॉल्ड द ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है उसको बसाल्ट से मिलकर बना हुआ है, तो उसको ओशनिक क्रस्ट का नाम दिया गया है। द क्रस्ट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म द रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर लाइज अवर द एस्थिनोस्फेयर, दैट इज अ लेयर ऑफ द सॉफ्ट रॉक। अब क्रस्ट और जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, ये क्या करते हैं? मिलके एक सख्त किस्म की लेयर, रिजिड सख्त किस्म की तह बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, जिसको बोला जा गया है लिथोस्फेयर। प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? द कंसेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स वाज डेवलप्ड इन द 1960s। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लिथोस्फेयर जो है, ये जो ते है, इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर। ये एक लेयर नहीं है। इट इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल लार्ज एंड द स्मॉल स्लेब्स ऑफ रॉक्स, स्लेब्स जो स्मॉल स्टोन्स ऑफ फ्लेट स्टोन्स रॉक्स कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। अब क्या है कि ये जो लेयर है, इट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्लेब्स ऑफ रॉक्स, जिनको बोला जाता है टेक्टोनिक
plates. These plates slide over the asthenosphere and interact with each other. These interaction involves colliding, separating and sliding of the plates. अब ये plates क्या करती हैं? ये एक दूसरे से interact करती हैं. Slide यानी कि अपनी जगह से move करती हैं और एक दूसरे से interact करती हैं. तो वो इंट्रैक्शन क्या होता है, वो उसमें जब एक दूसरे इंट्रैक्ट करती हैं तो वो कोलाइड करती हैं, एक दूसरे टकराती हैं, फिर अलग होती हैं और एंड स्लाइडिंग ऑफ द प्लेट्स, यानी कि मूव करती हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, फिर सेपरेट होती हैं. तो इस तरह से क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दीज मूवमेंट इज कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक्स. जो प्रोसेस है जो इस मूवमेंट में, सारी मूवमेंट में प्लेट्स की इन्वॉल्व होता है, उसको बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स. द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक्स. अब ये प्लेट जब अर्थ के नीचे ये अब ये मूव करती हैं अर्थ के अंदर, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, जलजले आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक जो से आतिशबाजी पहाड़ हैं वो फट जाते हैं, माउंटेन फॉर्मेशन, इस तरह से नए माउंटेन्स बनते हैं, एंड अदर चेंजेस अर्थ लैंडस्केप, इस तरह से अर्थ की जो जमीन की सतह है इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं. किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से. प्लेट की जो मूवमेंट होती है, इनकी जो कोलाइडिंग है, इनकी स्लाइडिंग है, इनकी जो सेपरेशन है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ में मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. ओके, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज प्रपोज बाय द अल्फर्ड वेगनर इन द अर्ली 20th सेंचुरी. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस अ सिंगल लेन मास दैट ही नेम पेंगिया. अब कहा जाता है कि पहले तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे जो बरियाजम थे, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा थे, मतलब सारे ये एक ही थे, इकट्ठे थे, मिले हुए थे, इसको पेंगिया का नाम दिया गया. दिस पेंगिया सेपरेटेड इनटू पीसेस ऑफ टाइम एंड टू द पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स. फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अर्थ में जो चेंजेस आई, तो उससे क्या हुआ कि प्रेजेंट जो अब कॉन्टिनेंट्स हैं ये बने, वो पेंगिया जो है डिफरेंट पीसेज में डिवाइड हो गया. दिस थ्योरी हैज बीन रिप्लेस बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट. इस थ्योरी को किसने रिप्लेस किया? प्लेट टेक्टोनिक्स ने. There are seven major and several smaller tectonic plates. Major plates कौन कौन सी हैं, जो बड़ी plates हैं दुनिया में? African plate है, Eurasian plate है, North American plate है, South American plate, Australian plate, the Pacific plate and the Antarctic plate. इसके अलावा जो minor plates हैं, जो छोटी छोटी plates हैं, the Arabian plate, Nazca plate, the Iranian plate, the Caribbean plate. These are the minor plates. फॉल्ट. अक्सर आपने सुना होगा कि जल्जला जब होता है, जब अर्थक्वेक होता है, तो बोला जाता है फॉल्ट लाइन, ये एरिया फॉल्ट लाइन पे है. फॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉल्ट्स आर लार्ज क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट. जैसे अर्थ की क्रस्ट जो है, अर्थ की सरफेस जो है, लेयर जो है इसकी क्रस्ट, वहाँ पे जो क्रैक्स पड़े हुए थे उसको बोलते हैं फॉल्ट. दे आर क्रिएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स बाय द मूवमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट. ये फॉल्ट्स कैसे बनते हैं? समटाइम जब वही बात है कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स की मूवमेंट होती है रॉक्स की अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो जब मूव करती हैं, जब अर्थ को एक आता है किसी भी एरिया में, तो उससे क्या होता है कि ये क्रेक्स जो हैं, ये शगाफ, ये दरार जो है, ये ज़मीन में पड़ जाते हैं. द लेंथ ऑफ फॉल्ट रेंजेस फ्राम अ फ्यू सेंटीमीटर टू द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. फॉल्ट्स आर यूजली क्रिएटेड अलॉन्ग जोन ऑफ वीकनेस इन द क्रस्ट. सच एन एरिया इज कॉल्ड अ फॉल्ट जोन. यानी कि ज़ाहिर है जो एरिया अर्थ का जो थोड़ा वीक होता है ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, तो उस वहाँ पर क्या है, उस एरिया को बोला जाता है फॉल्ट जोन. इंटरसेक्शन ऑफ अ फॉल्ट जोन विद द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड अ फॉल्ट लाइन. द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स प्रोड्यूसेस स्ट्रेस एंड द जर्क रिजल्टिंग इन एन अर्थक्वेक. अब ये प्लेट्स जो हैं कंटिन्यूसली ये मूव कर रही होती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की, इससे क्या होता है, स्ट्रेस जैसे पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है ज़मीन के अंदर, और फिर ये एक झटके के साथ, एक जर्क जब वो मूव करती हैं, हिलती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक काज होता है. अब फॉल्ट्स जो हैं, ये फॉल्ट्स जो हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स. तो अब हम उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स. अपनी मूवमेंट की वजह से, हरकत की वजह से उनको क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट वन इज डिप स्लिप फॉल्ट. डिप स्लिप फॉल्ट क्या है? डिप स्लिप फॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, द नॉर्मल फॉल्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट. लुक हियर इन दिस पिक्चर, नॉर्मल फॉल्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट. Normal fault is created when rocks in the earth's crust vertically compress each other. As a result, the moving rock is pushed downward. जब ये vertically ऊपर नीचे जब ये क्या करती हैं, interact करती हैं, compress each other, एक दूसरे को compress करती हैं, तो इस वजह से जो moving rock है, is pushed downward. इसको ऊपर से नीचे की तरफ धकेला जाता है. रिवर्स फॉल्ट इज क्रिएटेड बाय द हॉरिजेंटल कंट्रक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब ये रिवर्स फॉल्ट है, ये देखें हॉरिजेंटल, ये एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रही हैं, कंट्रक्शन होती है, तो उस तरह से पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज पुश्ड अपवर्ड्स. जब हॉरिजेंटल ये करेंगी, तो जो मूविंग पार्ट है क्रस्ट का, उसको क्या करेंगी, ये ऊपर की तरफ धकेलेंगी.
Strike slip fault is created when the tectonic plates slide past each other horizontally along the fault line. The San Andreas fault is the best example of the strike slip fault. Oblique slip fault. Oblique kya hai? An oblique slip fault is created where the movement of the crust is simultaneously vertical in the jump. Movement jo hai crust ki kya hai? Simultaneously vertical bhi hai aur horizontal bhi hai at the same time. Horizontally move kar raha hai, vertically bhi, to usko kya bola jata hai? Oblique slip fault. Us fault ko. So these are the three types of faults. अब पाकिस्तान में कौन कौन से फॉल्ट्स हैं? फॉल्ट्स इन द पाकिस्तान. पाकिस्तान इज लोकेटेड एट अ टेक्टोनिकली एक्टिव जोन. अ फॉल्ट लाइन स्प्लिट्स पाकिस्तान बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. अरेबियन प्लेट बॉर्डर्स पाकिस्तान इन द साउथ वेस्ट. ड्यू टू दिस द अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन इन दिस रीजन. द थ्री प्लेट्स आर कन्वर्जेंट, दैट मीन्स दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड ऑफन कोलाइड. पाकिस्तान जो है वो किस एरिया में वाकया है कि वहाँ पर जो फॉल्ट लाइन है वो एक्टिव है, उसको एक्टिव जोन बोला जाता है. और इस वजह से जो हमारा जो रीजन है जिसमें पाकिस्तान आ जाता है वहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक्स वेरी कॉमन है. द थ्री प्लेट्स आर कन्वर्जेंट. ओके, द ब्लैक एरोज इन द फॉलोइंग फिगर शो द कोलिजन जोन ऑफ द प्लेट्स. ड्यू टू दीज कोलिजंस अ नंबर ऑफ फॉल्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द कंट्री एंड रिजल्टेड इन द मैसिव अर्थक्वेक्स. अब ये आगे जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं, ये देखेंगे अब जो ये जो एरोज़ हैं डिफरेंट, ये अब इनके कोलिजन जो है इनके टकराव के जो ये कोलिजन जोन्स बताते हैं इन प्लेट्स के. ये इंडियन प्लेट है, जैसे यूरेशियन, अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट. तो इस वजह से क्या है, इनके कोलिजन्स की वजह से, इन प्लेट्स की आपस में कोलिजन की वजह से, इनके टकराव की वजह से जो है ये फॉल्ट लाइन वजूद में आती हैं, फॉल्ट लाइन बनती हैं. Okay students, so this was the reading of the half unit. In our next lecture, inshallah, we'll discuss about the earthquake and the causes of earthquakes and the effects of earthquakes. हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, जो हमने अब पढ़ा है आज फर्स्ट यूनिट में अर्थ के अबाउट, अर्थ के इंटीरियर के अबाउट, तो आपने उसको अच्छी तरह से रीड करना है और रिवाइज करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.